मूवी के शुरू में हमें दिल्ली का एक घर कल्याणी नवास दिखाया जाता है जिसमें 3 जनरेशन रहती है। घर में सबसे बड़ी दादी कल्याणी देवी, इसके बाद इनका बेटा कर्नल वीर शर्मा जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो गए हैं, और इसके बाद घर का छोटा बेटा चिराग जो कि सुबह सुबह बुजुर्गों के साथ एक्सरसाइज करता है। इसके बाद हमें घर के सब लोग नाश्ते के टेबल पर दिखाए जाते हैं जहाँ चिराग की शादी को लेकर खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है। चिराग काफी जोली किस्म का इंसान दिखाया गया है। दूसरी तरफ वीर हर चीज में काफी परफेक्ट दिखाया गया है, चाहे वो गोल्फ हो या फिर गन शूटिंग। इसके 4 दोस्तों का एक ग्रुप है। चिराग अंडरवियर्स की मार्केटिंग की जॉब करता है। अगले दिन चिराग के लिए घर में एक रिश्ता आता है ऑनलाइन ऐप के जरिए। वो लोग समझते हैं कि चिराग गारमेंट्स की मार्केटिंग करता है, और जब इनको पता चलता है कि चिराग अंडरवियर की मार्केटिंग करता है तो वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। रात में कल्याणी देवी काफी उदास होती है चिराग की शादी को लेकर, मगर चिराग इनको कहता है कि जिसके साथ मेरी शादी होनी होगी वो खुद ही मुझ तक आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ एक शादी में जाता है। इसी शादी में चिराग को दुल्हन की दोस्त देवी का पसंद आ जाती है। अगले दिन कल्याणी देवी की बेटी अपने बेटे की शादी का कार्ड लाती है, और जब कल्याणी को पता चलता है कि इसकी बेटी अपने बेटे की शादी जात से बाहर कर रही है तो वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें मेनका नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि बीच रास्ते में किसी गलत पार्किंग को लेकर बहस कर रही होती है कुछ लोगों से। इसी ट्रैफिक में वीर भी फंसा होता है, और जब वो मेनका को देखता है तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। बचपन से ही दोनों एक स्कूल और इसके बाद एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, मगर जब कल्याणी देवी को इसके बारे में पता चलता है तो उन्होंने जात को लेकर दोनों को अलग कर दिया। क्योंकि मेनका पंजाबी थी और वीर पंडित, दोनों की फैमिली में काफ़ी लड़ाई हुई जिसके गुस्से में मेनका ने कल्याणी को एक पत्थर दे मारा। इसके कुछ ड्यूरेशन बाद ही कल्याणी ने वीर की शादी चिराग की माँ से करवा दी। इसके बाद मेनका और वीर एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। मेनका वीर को अपने पार्लर का कार्ड देती है। दोनों एक दूसरे से इतने साल बाद मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। मेनका वीर से कल्याणी देवी के बारे में पूछती है कि वो जिंदा है या नहीं। तब वीर बताता है कि वो जिंदा भी है और अभी तक वैसी की वैसी है, मतलब जात पात को सब कुछ मानने वाली। इसके बाद मेनका जब वीर की बीवी के बारे में पूछती है तब वीर बताता है कि वो मर चुकी है और इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा चिराग और एक बेटी। मेनका अपना बताती है कि वो भी एक बेटी की माँ है और इसे अकेले ही पाल रही है। इसके बाद मेनका को पार्लर से कॉल आती है और वह चली जाती है। अगले दिन चिराग अपने अंडरवियर्स की मार्केटिंग करने एक कंपनी जाता है जहाँ इसे इस कंपनी की मार्केटिंग हेड देविका दिखती है जो कि इसे शादी पर मिली थी, जो दुल्हन की फ्रेंड भी थी। चिराग देविका को देखकर काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है जिसकी वजह से वो अंडरवियर्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजिंग बातें करना शुरू कर देता है, और इन्हीं बातों के दौरान देविका और चिराग एक दूसरे से ही फ्लर्ट कर देते हैं और यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। देविका चिराग को ये डील भी दे देती है। दूसरी तरफ मेनका और वीर भी एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और एक साथ काफ़ी खुश होते हैं। रात में डील मिलने की खुशी में चिराग देविका के ढाबे पर ट्रीट देता है। देविका इसे बताती है कि वह चंडीगढ़ से 2 साल पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुई है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। देविका को पता चलता है कि चिराग की मदर की डेथ हो चुकी है। कुछ ड्यूरेशन बाद देविका अपने घर चली जाती है। इसके जाने के बाद जब चिराग इसकी बातें याद कर रहा होता है तब अचानक चिराग को याद आता है कि देविका तो पंजाबी है और कल्याणी देवी देविका के लिए कभी नहीं मानेगी। अगले दिन कल्याणी देवी चिराग को कुछ पंडित लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है। तब चिराग बोलता है कि हम जात से बाहर शादी क्यों नहीं कर सकते, तो कल्याणी चिराग को अच्छी खासी बातें सुना देती है और चिराग तंग आकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब मेनका अपने पार्लर में होती है तब वहाँ देविका आती है और हमें पता चलता है कि देविका असल में मेनका की ही बेटी है। इसके बाद दोनों लंच एक साथ करते हैं और मेनका देविका का बिहेवियर देखकर पूछती है कि कौन है वो लड़का जिससे तुम्हें प्यार हो गया है। तब देविका कहती है कि मैं आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता रही, वरना आप कल ही इससे हमारी शादी की बात करने लगेंगी। इसके बाद देविका और चिराग एक क्लब जाते हैं जहाँ पर मेनका और वीर भी आए होते हैं। वीर वहाँ पर चिराग को बैठे हुए देख लेता है तो मेनका की ड्रेस खराब करके इसे वॉशरूम भेज देता है। मेनका को वॉशरूम में देविका मिलती है और वीर जाकर चिराग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चिराग झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पर मार्केटिंग करने आया था। वीर बोलता है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने आया था। चिराग कोई बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है और देविका को भी अपने साथ ले जाता है। मेनका सोचती है कि शायद वो वीर से मिलकर कुछ गलत कर रही है, मगर वीर इसे कहता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। इसके बाद चिराग देविका को कोई भी फ़ोन नहीं उठाता, ना ही इसके कोई मैसेज का रिप्लाई देता है। जब देविका इसे मिलती है तो वो इसको प्रपोज कर देता है और इसे कहता है कि मैं अपनी फैमिली से बात करने वाला हूँ हमारे रिश्ते को लेकर। और दूसरी तरफ वीर भी मेनका से शादी का पूछता है और मेनका मान जाती है। रात को वीर कल्याणी देवी से बात करता है कि कल लड़की वाले आ रहे हैं।
कल्याणी समझती है कि कल चिराग के लिए रिश्ता आ रहा है। अगले दिन कल्याणी देवी अपने घर में सब घर वालों को इकट्ठा कर लेती है, जिसमें कल्याणी देवी की बेटी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आई होती है। वीन ने मेनका को बुलाया होता है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। सब यही समझते हैं कि चिराग के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। इसके बाद मेनका देविका को लेकर कल्याणी निवास पहुंचती है और देविका को किसी फ्रेंड के घर लंच का झूठ बोलकर लेके आती है। वहां पर वो वहां पर चिराग को देखकर काफी परेशान होती है। कल्याणी देवी मेनका को देखकर वीर पर बहुत गुस्सा करती है और मेनका को बोलती है कि तूने हिम्मत कैसे की मेरे घर आने की और दोबारा मेरे बेटे वीर को अपने जादू में कर लिया। तभी देविका कल्याणी की काफी बेइज्जती करती है और यहाँ पर सबको मेनका और वीर की मोहब्बत के बारे में पता चल जाता है। जब चिराग वीर को पापा बोलता है, तब देविका को चिराग और चिराग को देविका के बारे में सब सच पता चल जाता है। कल्याणी देवी वीर और मेनका के रिश्ते से इनकार कर देती है और दूसरी तरफ अभी घर में देविका और चिराग के रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। रात में कल्याणी देवी वीर को बहुत बुरा भला कहती है, मगर वीर कहता है कि मैंने आज तक आपकी सब बातें मानी है, मगर आज के बाद मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा। दूसरी तरफ देविका मेनका से नाराज हो जाती है, क्योंकि वो इसे झूठ बोलकर वीर के घर लेकर गई थी। और देविका मेनका को बोलती है, अगर आपने वीर से शादी की तो मुझे भूल जाना हमेशा के लिए। इसके बाद कल्याणी देवी वीर से और देविका मेनका से नाराज हो जाती है। इसके बाद जब चिराग अपने अंडरवेयर की मार्केटिंग के लिए जाता है, तो लाइफ में फर्स्ट टाइम इसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना तो इसकी देविका से कोई बात हो पाई थी और ना ही वो अपने डैड के रिश्ते को लेकर खुश है। चिराग अपने दोस्त से जिक्र करता है कि अगर वो अपने बाप के रिश्ते के लिए मान जाता है, तो इसका मतलब है कि देविका इसकी बहन होगी और वो ऐसा नहीं चाहता। इस चक्कर में इसकी लव स्टोरी तो एंड हो जाएगी। दूसरी तरफ वीर और मेनका भी काफी अपसेट होते हैं। इसके बाद हम चिराग को देखते हैं, जो कि देविका से मिलने जाता है और इसे बोलता है कि मुझे भी अपने डैड और तुम्हारी मॉम की लव स्टोरी का नहीं पता था। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। यह इन दोनों का पैचअप हो जाता है। इसके बाद वीर भी मेनका से मिलने जाता है और इसे बोलता है कि मैं सब कुछ सही कर लूंगा, मैं चिराग को हमारे रिश्ते के लिए मनाऊंगा और वो खुद ही कल्याणी देवी को मना लेगा। यहाँ पर ये दोनों भी एक साथ ठीक हो जाते हैं। अगले सीन में हम चिराग और इसकी बहन को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जो कि मेनका और वीर के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर चिराग अपनी बहन को कहता है कि मुझे डैड के रिश्ते पर एतराज़ नहीं है, मगर मैं खुद देविका से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मगर अगर डैड की मेनका से शादी हो गई तो देविका मेरी बहन बन जाएगी। और ये सब बातें कल्याणी देवी और वीर भी सुन लेते हैं और इस तरह चिराग और देविका के बारे में सबको सच सच पता चल जाता है। कल्याणी को वीर और चिराग दोनों पर ही गुस्सा होता है और वो अपनी बेटी के घर चली जाती है। अगले दिन वीर मेनका को चिराग और देविका के रिश्ते के बारे में बता देता है। देविका ये सब जानकर काफी रोती है कि अब वो क्या करेगी, और कल्याणी अपनी बेटी के घर इसके दामाद का अपनी माँ से सलूक देखकर काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि इसका दामाद अपनी माँ से पैसों का हिसाब लेता रहता है। शाम को एक फंक्शन के दौरान सब लोग मेनका को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसने एक 60 साल के बूढ़े को पटा लिया है, मगर देविका यहाँ अपनी माँ का साथ देती है और दूसरी औरतों के राज खोलकर इनको खामोश करवा देती है। यहाँ पर मेनका और देविका को रिलेशन थोड़ा बेहतर हो जाता है। मेनका फंक्शन से घर वापस जाते हुए देविका को बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वीर के बेटे से तुम प्यार करती हो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। दूसरी तरफ वीर अपने दोस्तों से बात करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, मेरी माँ घर छोड़कर चली गई है, चिराग मुझसे सही से बात नहीं करता, मैंने अपने बेटे को दिल दुखाया है। अगले दिन सुबह वॉक के दौरान सब बूढ़े लोग चिराग को बोलते हैं कि बूढ़े इंसान की कोई जिंदगी नहीं, मगर तुम्हारे बाबा हम जैसों के लिए एक अच्छा स्टेप ले रहे हैं, हम बूढ़े लोग दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं और आखिर में अकेले रह जाते हैं, इसलिए आज हम सब दुखी हैं, हमारे बच्चे हमें इस उम्र में छोड़ गए। सब अपनी अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं और चिराग को बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ने अच्छा फैसला किया है। इसके बाद देविका चिराग को बुलाकर बताती है कि मेनका इन दोनों की शादी के लिए मान गई है, जिस पर चिराग इसे बोलता है कि हमें कल ही शादी करनी पड़ेगी, इससे पहले कि हमारे माँ बाप का डिसीजन चेंज हो। दूसरी तरफ कल्याणी देवी अपने दामाद का अपनी माँ से बुरा सलूक देखकर अपने बेटे को याद करती रहती है कि वो कितना अच्छा है। इसके बाद हम मेनका को देखते हैं, जो वीर को बताती है कि देविका इसकी औलाद नहीं है, बल्कि इसके हस्बैंड की पहली बीवी से है। इसका मतलब अगर हम दोनों शादी भी कर लेते हैं तो चिराग और देविका बहन भाई नहीं होंगे, मगर मैं ये सब कुछ देविका को नहीं बताना चाहती। ये बातें मेनका और वीर कार में कर रहे होते हैं, तभी किसी ट्रक से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, जहाँ इन दोनों का ऑपरेशन होता है। वीर तो खतरे से बाहर होता है, मगर मेनका की दोनों किडनी फेल हो जाती है और देविका इसे अपनी किडनी डोनेट करने का कहती है। देविका के साथ मेनका की एक बचपन की दोस्त होती है। चिराग और इसकी फैमिली भी वहां पर हॉस्पिटल में ही होती है वीर की वजह से। इसके बाद डॉक्टर्स देविका को बताती है कि इसका डीएनए मेनका से मैच नहीं हुआ, मगर इन्हें कोई और डोनर मिल गया है। मेनका की वही फ्रेंड देविका को सब सच बता देती है कि वो इसकी बेटी नहीं है। इसके बाद चिराग और देविका एक दूसरे से बात करते हैं। चिराग अपने बाप की काफी तारीफ करता है
उन्होंने इसके लिए अपनी सारी जिंदगी दे दी और मैं इनको इनकी जिंदगी की एक खुशी नहीं दे सका, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेनका का ऑपरेशन हो जाता है, वो ठीक हो जाती है। देविका इसको बोलती है कि आपने मुझे अपनी सगी बेटी ना होने के बावजूद भी मुझे इतने प्यार से रखा और मुझे दुनिया की हर खुशी दी, तुम ही मेरी असली माँ हो। मेनका भी इसे बोलती है कि तुम मेरी ही बेटी हो, हमारा रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सब कल्याणी देवी भी सुनती है और इसे अफसोस होता है कि इसने अपनी सारी जिंदगी जात पात को लेकर गुजार दी, जबकि मेनका खुद किसी देवी से कम नहीं, जो कि किसी की औलाद को खुद पाल रही है और वह वीर और मेनका की शादी के लिए मान जाती है। इस तरह वीर और मेनका की शादी हो जाती है और साथ ही चिराग और देविका की भी, और दोनों बाप बेटों की एक ही दिन में घुड़चढ़ी होती है, दोनों एक साथ ही घोड़ी चढ़ते हैं और यहाँ पर हमारी मूवी एंड हो जाती है।